हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सचिन एसी वर्क। आज हम विंडो एसी है एम स्टार का, उसमें कूलिंग नहीं हो रहा है। अभी वही रेक्टिफाई करने आया, कस्टमर ने कंप्लेंट किया है, कूलिंग बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब देख सकते हैं एम स्टार का है, ब्लिंक हो रहा है कंप्रेसर का लाइट, मगर कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा, वही चेक कर रहे हैं हम लोग। अब इसका आप देख सकते हो कंप्रेसर का टर्मिनल कंप्लीट जल चुका है, देख सकते हो कंप्रेसर पूरा टर्मिनल पूरा शॉर्ट हो गया है। कॉमन का वायर, कॉमन स्टार्ट और रन, हम लोग तीनों वायर चेंज कर देंगे, पूरा तरीके से जल गया है। इसके लिए हम लोग कंटिन्यूटी भी नहीं दिखा रहा था वो। इसका कैपेसिटर सब ओके है, जब चेक कर लिया हम लोग ने। अब इसके लिए हम लोग पूरा पिन वायर वियर क्लीन करके उसका पिन का वायर वगैरह सब नया डालेंगे, क्लिप डालेंगे नया। अब देख सकते हो वायर का, अब ये तीन वायर है कॉमन स्टार्ट और रन, इसको तीनों को हम लोग क्लिप चेंज करेंगे। एक कंप्रेसर का पिन है, आप देख सकते हो पूरा काला पड़ गया है। अभी हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे, पहले ग्राउंड है क्या नहीं है, उसके बाद ही वायर लगाएंगे। तीनों को वायर आपस में हम लोग चेक करेंगे, कॉमन स्टार्ट और रन को कंटिन्यूटी चेक करने के बाद ही हम उसको क्लिप लगा के प्रॉपर चालू करके देखेंगे। कंप्रेसर ओके है तो ही हम लोग क्लिप लगाएंगे। अभी वही इसके लिए चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी तीनों, और ग्राउंड भी चेक करेंगे तीनों वायर का। कंटिन्यूटी बराबर दिखा रहा है कॉमन और स्टार्ट में, और ग्राउंड भी चेक करेंगे। बीट में डाल के ग्राउंड चेक करेंगे बजर में, आप देख सकते हो बजर में डाला हुआ है वायर। एक वायर कॉमन टर्मिनल में लगाएंगे और एक में बॉडी में लगा के चेक करेंगे प्रॉपर है मशीन। अभी इसका वायर का हम लोग कट करके इसको क्लिप लगाएंगे, साफ करके टर्मिनल देखो कट कर रहे हैं पकड़ से, ये अजय कोरी है, ये कट करके भी देख रहे हैं वायर का क्लिप पूरा तरीके से जल गया है, पूरा नया लगाएंगे। तीनों वायर चेंज करेंगे, उसका वायर का कट करके ये स्ट्रेट क्लिप लगा रहे थे, मैं बोला क्रॉस क्लिप लगा दो, ये कैपेसिटर वगैरह में लगता है, क्रॉस क्लिप लगा रहे हैं। आप देख सकते हो कंप्रेसर के टर्मिनल में लगाएंगे, तीनों क्लिप लगाने के बाद, तीनों क्लिप लगाने के बाद टर्मिनल में वायर लगा देंगे पिन में क्रॉस क्लिप। कंप्रेसर का जो टर्मिनल रहता है उसमें लगाएंगे, आपको वो भी दिखाएंगे। अभी ये देख सकते हो आप, जला हुआ क्लिप है, पूरा जल गया है, उसके जगह पे हम लोग न्यू क्लिप लगा रहे हैं, वही आपको दिखा रहे। अभी हम लगा रहे कंप्रेसर में, आप देख सकते हो क्लिप लग चुका है। अभी हम लोग इंस्टॉल कर रहे कंप्रेसर के टर्मिनल में, कॉमन स्टार्ट रन, तीनों वायर लगा रहे। कॉमन का वायर जल गया था, पूरा जल गया तो हम लोग को कनेक्टर लगाना पड़ता है। अभी है टेम्प्रेरी, उसमें चल जाएगा, ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्लिप बढ़ जाएगा, उतना जगह है उसमें। उसका ऊपर का वो स्लीव है रबर का,
कि वो आपस में चिपकता नहीं है क्लिप करके, वो रबर का स्लीव लगाया हुआ है, अंदर क्लिप लगा हुआ है, अंदर जल गया था क्लिप, चेंज करके हम लोग ने क्लिप लगा दिया है। एक तो पूरी तरह से वो रबर भी जल गया था, इसके लिए हम लोग ने निकाल दिया, टेप मार दिया उसमें। अभी प्रॉपर तरीके से हम लोग लगा रहे, कॉमन का क्लिप है। ये थोड़ा कार्बन पकड़ा था, क्लिप जा रहा नहीं अंदर, इसके लिए थोड़ा साफ करके क्लिप बिठा रहे, क्योंकि साइड में गैप था उसके वजह से वो क्लिप अंदर जा रहा नहीं था बराबर, तो उसके लिए क्लीन करके थोड़ा थोड़ा बचा था वो भी टेस्टर से साफ करके अंदर घुसा रहे हैं। देखो अंदर गैप दिख रहा है आपको, उसके थ्रू अंदर जाएगा वो, और पकड़ से प्रेस करेगा, जितना टाइट हो सके उतना टाइट बैठे, लूज रहेगा तो फिर वापस शॉर्ट होने का चांसेस है। लग गया एकदम टाइट बैठा है क्लिप, तीनों क्लिप लगा देंगे, ये रन वायर है। तीनों वायर लग गया, अभी इसका ऊपर का कवर लगाएंगे, क्या ऊपर से केसिंग के ऊपर से जब भी कभी कभी क्या पानी भी नहीं, कबूतर वगैरह जब घान डालते हैं, सेफ्टी के लिए वो कवर लगाना ज़रूरी है। टर्मिनल कवर है ये ब्लैक कलर का, उसका नट लगा रहे, टर्मिनल पूरा हम लोग ने कॉमन का वायर शॉर्ट हो गया था उसको हम लोग ने, देखो जला हुआ क्लिप है पूरा टाइट करके, अभी कवर के अंदर हम लोग टॉप कवर लगा के फिक्स कर देंगे, इसका ऊपर का पतरा लगाएंगे, पतरा लगा के फिक्स करके फिर अंदर कवर में डालेंगे, कवर लग गया। इसके बाद कवर लगने के बाद आपको एक कवर अंदर गाला दिखाएगा, उसके अंदर वो डाल के, एक सामने देखो गाला है, इसके अंदर डाल के ओके चालू करके एक बार चेक करेंगे इसे। कंप्रेसर का लाइट ब्लिंकिंग हो रहा है, स्टॉप हो गया तो होता है, वो स्टॉप होने के बाद कंप्रेसर चालू होता है तो प्रॉपर वर्किंग होता है, पहला नहीं हो रहा था, अभी एकदम परफेक्ट चल रहा है एसी, एम स्टार का एसी है, विंडो एसी, एकदम प्रॉपर कूलिंग हो रहा है, पहला नहीं हो रहा था, ब्लिंक होने का स्टॉप होता है, कंप्रेसर स्टार्ट होता है, अभी ये स्टॉप होने के बाद कंप्रेसर तुरंत चालू हो रहा है, प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो गया। आप देख सकते हो पूरा वीडियो में उन्होंने कैसा रेक्टिफाई किया, क्या किया, कंप्रेसर को उसका पिन वगैरह सब चेंज किया। प्लीज़ आपको अच्छा वीडियो अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को सचिन एसी वर्क। ओके बाय फ्रेंड्स, अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिएगा।